हेलो साथियों, आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम दोनों मम्मी बेटी चाय पी के अभी निकल पड़े हैं खेत में। खेत में हमारे करेले हो रहे हैं तो वो लेने जा रहे हैं हम। पहले भी तोड़े थे हमने एक बारी और अभी भी हो रहे थे, उस टाइम पे छोटे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए होंगे तो हम वही लेने जा रहे हैं। हाय गाइस, तो हम जा रहे हैं रोखड़ वाले खेत पे, यानी कि रोखड़ मतलब एक जगह का नाम है, वही जो मैंने आपको बताया था कि खेतों की पहचान के लिए नाम दिया जाता है, तो हम वही वाले खेत में जा रहे हैं। चुन्नी देखो नीचे रगड़ती हुई जा रही है मम्मी आपकी। हम पहुंच गए मम्मी के रोखड़ वाले खेत पर। कहाँ हो रहा है ये? अच्छा, ये एक खीरा हो रहा है यहाँ पर। ये पीला हुआ है तो खराब तो ना होगा? वो जो थी खराब ही हो जाएगा फिर। एक खीरा मिला मम्मी को अपने खेत में। करेले भी हो ही रखेंगे, ये तो भरवा खाने वाले हो रखे भाई। ये कितने अच्छे हो रखे हैं, भरने वाले हो रखे हैं, छोटे छोटे डुमरू जैसे गोल मटोर। जब पक गया ये देखो झड़ गया, अब अगले साल इसका बीज बन जाएगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा। इस बारी ये अपने आप ही जमा था, इस बारी भी पिछले साल भी अपने आप ही जमा था। ये एक करेला और मिला। ये देखो हमारे खेत के करेले कैसे होते हैं यहाँ पे। करेले देखो बड़े बड़े करेले, तभी इससे भी बड़े होते हैं ये, तो इससे बड़े होते हैं ना मम्मी, इससे ही बड़े होते हैं। और कितने अच्छे हो रहे हैं, हरे हरे बिल्कुल और फ्रेश बिल्कुल। तो हमें मिले हैं ये 4, 5, 6, 7, 8, हमें 8 करेले मिले हैं। ये देखो 8 करेले मिले हैं। ये इतनी सी बेल है, इसमें हमें 8 करेले मिले हैं। अभी छोटे छोटे और करेले हो रहे हैं। ये मम्मी बोल रही है अभी नहीं तोड़ने हैं, अभी और बड़े होंगे। मम्मी को एक कहीं ककड़ी मिली है, यानी कि खीरा मिला है कहीं पर, एक और मिला था, अभी एक और मिला है मम्मी को। तेरा चोड़ा हो रहा है। एक वो बड़ा सा है वो तोड़ना है। ये देखो ये बड़ा सा बिला है मुझे, इसमें कांटे कांटे से हो रहे हैं इसकी टेन में। ये देखो कितना बड़ा खीरा हो रहा है, ये दो खीरे हो गए। ये वहाँ किसका है मम्मी? ये अच्छा, तो हमें 2 खीरे मिले हैं और 8 करेले मिले हैं, वो दोनों चीज हमें बड़े बड़े मिले हैं। अब आगे चलते हैं। हाँ तो 2 खीरे मिले बोला ना। अच्छा एक आपके पास है, एक मम्मी के पास है, 3 खीरे मिले हमें। ये यहाँ पर है, अभी एक और है बोल रही मम्मी वहीं पर। ये ऐसा हो गया, इसकी बहुत हो गया, ये खाने से पहले बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया ये बुढ़ा हो गया। अब हो गया आपका गाँव में, अब घर को, घर को। तो हम लेके जा रहे हैं। हमारे घर के पीछे में सीताफल हो रहा है, जिसे हमारे यहाँ गदू कहते हैं, अब हम वो तोड़ने जा रहे हैं। ये हमारे घर का बैक साइड, इसके बैक साइड के खेत में ये देखो गदू की बेल जा रही है, यानी कि सीताफल की बेल जा रही है। इसमें हो रहे हैं गद्दू। ये देखो ये हो रहा है। ओ भाई इतना बड़ा हो रहा है ये, इसको हम आप काट देंगे, इसकी सब्जी बनाएंगे। बहुत दिन से इंतजार हो रहा था इसका बढ़ने का। ये देखो कितना बड़ा सीताफल हो रहा है, कम से कम 5 किलो का हो गए फिर ना ना उससे। एक ये है और पकड़ो मम्मी से, उसको ऐसे हराई गई हो जाएगा वो सड़ेगा। और एक ये हो रहा है,
एक ये हो रहा है, एक वो छोटा सा इधर है। ये मम्मी कह रही है अभी नहीं तोड़ेंगे, अभी थोड़ा और बड़ा होएगा ये। अभी मम्मी कह रही है इसमें हाथ भी लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी सब्जी जैसे बड़ी हो रही होती है, छोटी होती है, उसे हाथ नहीं लगाना होता है, इवन उसे उंगली भी नहीं करनी होती है इस तरह से दिखाने के लिए। इससे क्या होता है, वो बढ़ता नहीं है और वो सड़ जाता है, उतने में ही सड़ जाता है। अगर छोटा सा अगर हो रहा है ना, इतना सा अगर हो रहा है और आपने उसको छू दिया या उंगली करके आपने बताया कि वो हो रही है, तो वो उतने में सड़ जाएगा, उसके बाद वो बड़ा नहीं होएगा। और एक गद्दू यहाँ पे भी हो रहा है छोटा सा, अभी कहाँ गया मम्मी, हो रहा है अभी, तो ये तो बहुत छोटा सा है और एक छोटा सा यहाँ पे हो रहा है। ये देखो अभी, ये देखो फूल है, ये कितना छोटा सा हो रखा है। तो हमने गद्दू काट लिया है, अब हम चलते हैं वापस और मैं आपको ये अपने घर के बैक साइड का दिखा देती हूँ कि कैसे खेत हैं चारों तरफ से। चलो अब चलते हैं। और यहाँ पे हो रहा है सफेद पेठा, एक ये हो रहा है और एक वहाँ पे हो रहा है। अब सब्जियाँ तोड़ने के बाद हम निकल पड़े हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, रोड पे थोड़ा सा टहलेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे। तो कहाँ को जाना है मम्मी? चलो बे मम्मी, हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम कोगार तक तो जाएंगे नहीं, आधा रास्ते तक जाएंगे, कोगार की तरफ थोड़ा घूम लेते हैं। और क्या है? वहाँ भी जाना था एक दिन, अभी वहाँ घास हाथ काटने दे फिर चले जाना, रास्ता साफ हो जाएगा। आज मैं आपको कोगाड़ का व्यू दिखाती हूँ। अम्मा रहती है बाखे में, एक दिन वो कहती थी तुम्हारे गद्दू हो रहे हैं करके, तो उस टाइम तो नहीं हो रहे थे, आज हो रहे हैं। तो मम्मी कह रही है गद्दू लेके आ जा उनके लिए, उन अम्मा को देख के आ जाते हैं। तो मैं ये वाला गद्दू काट रही हूँ, तो ये वाला गद्दू भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये हम देके आ रहे हैं अम्मा को, ऊपर बाखे में रहती है। दाग तो नहीं लेगा इससे? दाग निकल जाता है। ये लग गई अब चढ़ाई, ऊपर बाखरी जाने के लिए चढ़ाई लग जाती है। यहाँ से अम्मा को गए, अम्मा तो दिख नहीं दी इधर। ओ माँ, ओ माँ, कहाँ छ, कहाँ छ को? अच्छा भीतर सा, भीतर बैठ ला, घर भेजूल भी नहीं हो? माँ तो, माँ तो यहाँ भेजूल, यहाँ, हो, बेटो, आ बेटा। ये अम्मा उस दिन दिखाई थी, मैंने घर पे आई थी, आज हम इनके घर पे आए हैं। अच्छा ठीक है, ये है इनका घर, दिखाना तो हुआ। हाँ वहाँ क्यों रखा गई उसको, ला ताई लाई थी। और इनके यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता है, ये इनके ऊपर की बाकी है और यहाँ से ये देखो कितना अच्छा व्यू दिखता है। ठीक हो,
ना उसके धूप दिन में आजकल मतलब धूप दिन मतलब दिन ही लोगों दी जगह उसने ले साल तक कराना है ये साल तक जगह है धूप दिन में ये दिन जुए बहुत सारे हाल वाल चलो हम बैठा थे हाँ यार तुम तो खाली कुर्तूर लगा दी तुम लोग अरे बनिया है क्या बाय 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 ये है अम्मा की रसोई ये अम्मा की रसोई है अब करेंगे हम अपने खाने की तैयारी डिनर की तैयारी आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें धन्यवाद।